कर्नाटक के हित में, डेवलपमेंट के हित में काम नहीं करें। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हर रोज एक अपनी कुर्सी बचाने में लगा है और दूसरा कुर्सी छीनने में लगा है। किसी को कर्नाटक की जनता का ध्यान नहीं है। कर्नाटक में सूखा है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते भेजते 3 महीना लेट कर दिया और आज सूखे की केंद्र सरकार की सहायता की दरखास्त चुनाव आयोग में पड़ी है। भाई और बहनों, इस पर पॉलिटिक्स करें। मैं उनको पूछने आया हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, आपने कर्नाटक के लिए क्या करा? हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उनको? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं, भले वो न दे, कर्नाटक की जनता को मैं बताना चाहता हूं, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, 10 साल में मनमोहन सरकार ने कर्नाटक को सिर्फ 1,42,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? 1,42,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने कितना दिया? 4,91,000 करोड़। 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने कोटमेले। अक्टूबर नली सेंट्रल टीम बनी है, ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20. ಅದು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ನಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಡಿಸೈಡ್. ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20. ಅದು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ನಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಡಿಸೈಡ್.